जय श्री राम प्यारे भक्तों, कलयुग में भी ऐसा होता है और ऐसा जिसके साथ होता है समझ लीजिए वो बहुत ही खास मनुष्य है, बहुत ही भाग्यवान है। कोई लाखों करोड़ों में कोई बिरला मनुष्य ही ऐसा होता है जिसके साथ ऐसा होता है। क्या होता है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, मेरे पास ये कमेंट आया है, इसके कमेंट पे एक दो दिन पहले भी वीडियो बनाई थी। इनको कृष्ण नाम सुनाई देता है कान में से उसके ऊपर। वो अगर वीडियो देखनी है तो ज्ञानदूत चैनल पे वो वीडियो मिलेगी आपको। अब इन्होंने कमेंट किया है, माताजी जब मैं श्री कृष्ण नाम का जप करती हूँ या अचानक कृष्ण सुनती हूँ तो वो नाम ऐसा लगता है वो मेरे दिल में आ जाता है और मुझे अपने दिल में कृष्ण जी है ऐसा लगता है। ये मेरे साथ जब से शुरू हुआ है, जब से मुझे कृष्ण जी से प्रेम हुआ है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कमेंट किया कि ऐसा क्यों होता है। देखो प्यारे भक्तों, ये लड़की बहुत ही सौभाग्यशाली है और इसका प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है। मतलब इसने अपनी बहुत भक्ति पिछले जन्म में कर ली है और एक बूंद इसकी भक्ति बची हुई है। जो थोड़ी भक्ति बची हुई है वो इसीलिए इसको इसी उम्र में अचानक से प्रेरणा मिल गई और इसको अचानक से ही इसकी ज़िंदगी बदल गई। और इसको देखो, लिखती है मुझे कृष्ण भगवान से प्रेम हुआ जब से ऐसा हुआ है। भाई जब कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ऐसा तो होना ही है। देखो भगवान सबके दिल में है, ये सबको पता है, लेकिन महसूस उसी को होता है जो उसके नाम का रात दिन रट लगाता है, रात दिन उसका नाम जपता है, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, इसको ऐसा महसूस होने लगा, लगता है इसको, हाँ और किसी को नहीं लगेगा, है तो सबके दिल में, भगवान सबको पता है, भगवान हमारे अंदर है, लेकिन पता उसी को लगता है जो बहुत ही बिरला मनुष्य, खास मनुष्य होता है, जिसके ऊपर परम की परम कृपा हो चुकी है। अब ये लड़की, इसका नाम है सुशील, और ये ऐसे ही निरंतरता से लगी रही तो निश्चित ही इसको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। और इसका प्रारब्ध इतना अच्छा है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं सकती। चाहे इसके घर वाले मना, कोई भी मना करे, लेकिन इसकी लगन इतनी लगी हुई है कि ये कृष्ण के लिए रोती है रात दिन। कई कमेंट आते हैं इसके, हम और भी वीडियो बनाएंगे उसकी इन कमेंटों पे, ताकि आपको भी लाभ मिल सके। बहुत रोती है, रात दिन रोती रहती है। मन करता है इसका कि मैं कृष्ण की फ़ोटो को देखती ही रहूं, देखती रही। तो प्यारे भक्तों, धन्य है ये गुड़िया, मैं इसको हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि इसको इसकी मंजिल यानी कृष्णा की प्राप्ति अति शीघ्र से भी शीघ्र हो। प्यारे भक्तों, तो आप जो है भगवान कृष्ण का अगर आप भी दर्शन करना, आप कृष्ण भगवान का क्या, अब कई कमेंट आते हैं माता जी हम हनुमान जी को पाना चाहते हैं, हम राम जी को पाना चाहते हैं। जिस भी भगवान को आप पाना चाहते हो प्यारे भक्तों, उसी भगवान के नाम का जप करते रहें, उसको पुकारते रहें, कभी तो वो सुनेगा ना। अब आपका अगर प्रारब्ध अच्छा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इस जन्म में भक्ति कीजिए, हो सकता है आपको इसी जन्म में दर्शन हो जाए। इस लड़की का तो प्रारब्ध अच्छा है क्योंकि इसने पिछले पता नहीं एक जन्म में की है या पता नहीं कितने जन्मों में इसने इतनी भक्ति की है। क्योंकि देखो, अभी मान लो इसकी भक्ति छूट जाए किसी कारणवश, तो अगले जन्म में यहीं से शुरू होगी। ये जरूरी नहीं है कि आदमी की मृत्यु होए जब भी भक्ति छूटती है, भक्ति पहले भी छूट जाती है। जैसे कोई लोक लाज के डर से छोड़ जाता है, कोई किसी के डर से छोड़ देता है, तो कोई अपने आप आलसवश छोड़ देता है, तो जहाँ से छूटती है वहीं से अगले जन्म में शुरू होती है। तो आप चिंता ना कीजिए, आप भी भगवान का नाम जप करते रहे, जिस भी भगवान के दर्शन करना आप चाहते हैं, जिस रूप में करना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में दर्शन देंगे। जो तुम मांगोगे वो अवश्य ही देंगे, तुम मांगो, उनका काम है पूरा करना। वो तो स्वयं कहते हैं तुम जो चाहोगे मैं तुझे दूंगा, बस तुम मांगने वाले बनो।
तो प्यारे भक्तों, इस गुड़िया की तरह, बिटिया की तरह आप भी भक्ति करते रहें और निसंदेह आपको भी ऐसी फीलिंग होगी कि भगवान आपके दिल में है, क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करता है उसको अवश्य ही ऐसा फील होता है। वह दिल में तो वो है ही, लेकिन किसी सौभाग्यशाली के साथ ही ऐसा होता है। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।